प्रीता की याददाश्त जो है वो धीरे धीरे लौट रही है। धीरे धीरे उसे धुंधला धुंधला सा सब कुछ नजर आ रहा है। धीरे धीरे अब वो दिन दूर नहीं कि जब फटाफट से प्रीता की याददाश्त वापस आ जाएगी और उसके बाद कुंडली भाग्य की कहानी पूरी तरीके से टर्न कर जाएगी, जहां पर प्रीता जो है वो क्या करने वाली है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो निधि है उसका भी पत्ता किस तरह से कट होगा ये देखना भी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहाँ पर अब आपने देखा ही कि कैसे राखी को शक हो चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी चीज़ कर रही है निधि जो कि उसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रीता के लिए कुछ कुछ बोलती नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ करण की मॉम को भी पूरी तरीके से शक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर निधि जो है वो प्रीता के मरने वरने की बात करती नज़र आती है, जिसके बाद हर कोई अब निधि पर निशाना लगाए हुए है। हर किसी का ध्यान जो है, खास तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह से ऋषभ जो है वो पूरी तरीके से समझ चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो ये बात बोल भी चुका है। और वो ये कहता नज़र आया था कि मॉम आप कुछ वक्त तक करीना बुआ के साथ ही रहो, क्योंकि घर में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और फिर वो निधि की तरफ इशारा करता है और निधि से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर निधि के रिएक्शंस आप देख सकते हैं। वैसे एक बात तो तय है कि जो नई निधि आई है उसके रिएक्शंस देखकर आप सब क्या कहेंगे भाई, बहुत ही अलग अलग तरीके से रिएक्शंस दे रही है। ज़्यादातर टाइम उसके रिएक्शंस देने में ही जाते हैं। अगर आप रिएक्शंस पर गौर करेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि हाँ सच में बहुत ही एक्स्ट्रा जो है वो निधि के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी आंखें करके निधि जो है वो देखती नज़र आती है और ये सब देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर लूथरा फैमिली को ना चाहते हुए भी निधि पर शक हो ही जाता है, क्योंकि जिस तरह से निधि हर बात को लेकर इस तरह से रिएक्ट करती है। खैर ये तो रही निधि के रिएक्शन की बात, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रीता की याददाश्त की। तो प्रीता की याददाश्त जो है वो धीरे धीरे वापस लौटने वाली है। हल्की धुंधली धुंधली सी चीज़ें जो है उसे याद आने वाली हैं और साथ ही साथ उसे ये भी याद आने वाला है कि आखिर ये कौन था जो उसका नाम जानता था, और जब वो आग में फंसी हुई थी तो ऐसा कौन सा शख्स था जो उसका नाम जान रहा था और उससे ये सारी बातें कर रहा था। ये सब बारे में भी वो सोचने वाली है। वो ये बात राजवीर को बताने वाली है कि कोई मुझे बात कर रहा था, कोई मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखकर राजवीर को काफ़ी अजीब लगने वाला है। हालांकि राजवीर इस बात को लेकर बहुत खुश होगा कि प्रीता की याददाश्त जो है वो वापस आ रही है, लेकिन प्रीता की याददाश्त आने के बाद प्रीता क्या एक्शन लेने वाली है ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर राजवीर जो है वो अपना बदला पूरा कर पाएगा या नहीं, राजवीर ये सोचने वाला है। हालांकि राजवीर को भी बहुत सारी क्लैरिटी जो है वो धीरे धीरे होगी कि क्या कुछ हुआ था और इसके पीछे मेन रीज़न कौन था। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कुंडली भाग्य की कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवीएन बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म बीट सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।